Assalamualaikum, ladies and gentlemen. My name is Momin Saqib और मेरा आपसे एक सवाल है, क्या आप तैयार हैं for the 8th Thumb Awards happening on the 24th of September at the First Ontario Centre, जहाँ पे मैं nominate हुआ and I am super excited to be at the event and have so much fun. So I want you all to go and book your tickets right now. On 24th September 2022 at the First Ontario Centre. To book your tickets, log on to humawards.ca. To advertise in Canada, please call 905-849-5551 or log on to humawards.ca. अरे यार, आप लोग अभी तक गए नहीं? Go and book your tickets right now. एक बार खो जाए तो अपना आप कभी मिलता है क्या? जब आप ढूंढने निकली थी ढेरों और सवाल साथ ले आई हूँ। बात तुम ऐसा सोच भी कैसे सकते हो? मैं वही सोच रहा हूँ जो वो कर रही है। It's written clear on the wall. क्या मुझसे कोई गलती हुई है? गलती ना तुम्हारी है और ना ही मेरी, बस किसी और की गलती की सजा हम लोग भुगत रहे हैं। वो दिखने में कैसी है अर्दा? कौन? तुम्हारी बीवी? अच्छी है, जैसे कोई भी 18 साल की लड़की हो। सकती खूबसूरत है। क्या कहना चाहो? खूबसूरत तो जरूर होगी, आखिर इतने फरमाबरदार बेटे हो, माँ बाप ने नाम तो देना ही था। मेरी नजर में सिर्फ खूबसूरती की क्या अहमियत है तुम अच्छी तरीके से जानती हो। खूबसूरती की ना सही, रिश्ते की तो होगी। बीवी है वो तुम्हारी, 24 घंटे तुम्हारे साथ रहती है। उससे क्या होता? साथ तो रूममेट्स भी रहते। रूममेट नहीं है, लड़की है वो भी। अमोन, क्या कशां, तुम्हें मुझ पे एतबार नहीं है? एतबार? हाँ, तुम्हें एतबार होना चाहिए मुझ पर। मैं उस लड़की की शक्ल नहीं देखना चाहता, उसकी आवाज नहीं सुनना चाहता। मेरी जिंदगी में जो तुम्हारी हैसियत है उसकी कभी नहीं हो सकती, और तुम्हारी जगह कभी नहीं ले सकती। Always remember that. भाभी, ये आपके लिए, आपको ये रंग बहुत सूट करेगा। थैंक यू, बहुत खूबसूरत है। क्या जरूरत थी इसकी? बज्जू, ये आपके लिए। थैंक यू। अम्मा, ये आपके लिए। अरे इस तकल्लुफ की क्या जरूरत थी बेटा? दो दिन के लिए तो गए थे तुम लोग और ये सारी शॉपिंग भी कर ली। हाँ। ये कोई मैंने थोड़ी लिया है, ये तो अदनान ने लिया है, आपके लिए और अपनी अम्मा के लिए, दोनों के लिए सेम सेम। अदनान? और ये देखिए, ये बाबा के लिए। तुम खुश तो हो? बहुत। तो फिर तुम्हारी आंखें इतनी बुझी बुझी क्यों लग रही है? वो ये लोग हमारी तरह जल्दी नहीं सोते ना, देर तक जागते हैं, रात को महफिलें लगती हैं, आंखें तो ऐसी होंगी। इतनी संजीदा क्यों हो गई हो? लड़कियां तो शादी के बाद हंसती खेलती हुई नजर आती हैं, और तुम्हारे अंदर पता नहीं कौन सी बुढ़ी रूह आ गई है। बच्चों, आपको बताया ना, इनको ज्यादा शोर शराबा नहीं पसंद, ज्यादा बातें भी नहीं पसंद, बस शायद इसीलिए आपको बदली बदली लग रही होंगी। वैसे अदनान भाई तुम्हारा ख्याल तो रखते हैं ना? हाँ, क्यों नहीं रखेंगे, आखिर शौहर है मेरे, मैं बीवी हूँ उनकी। कुछ शौहरों की आदत होती है बस बीवियों को दबा के रखने की, बस बिला वजह का रोब, और अदनान भाई उन्हीं मर्दों में से लगते हैं। और एक बात बताओ मुझे, कि तुम्हारे घर वालों को सवाल पूछने की इतनी आदत क्यों है? जी, खासतौर पर तुम्हारी बहन को, दूसरों की लाइफ में इतना इंटरेस्ट क्यों लेती है? बहने हाल चाल पूछती हैं, वो तो बस हाल ही पूछ। मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है कोई मेरी लाइफ में ऐसे इंटरफेयर करे।
मैं इस माहौल का बिल्कुल आदि नहीं और इस किस्म के बेवकूफ लोगों से मिलना बिल्कुल पसंद नहीं करता जो खामखा दूसरों की लाइफ में दखल अंदाज करते। समझ गई जी? मुझे डर है कहीं अपनी बहन की तरह तुम मेरी इंक्वायरी करना अपना फर्ज ना समझ। इस उम्र में तुम्हारी कचहरी नहीं भुगत सकता। मेरी बातों को संजीदगी से समझ लो तुम, ठीक है? मुझे तुमने बहुत मुश्किल में डाल दिया अदनान। आए दिन कोई ना कोई रिश्ता चला आता है, मेरे पेरेंट्स का दबाव दिन ब दिन बढ़ रहा है, तुम जा रहे हो। सिर्फ 6 महीने की बात है, मनाओ अपने माँ बाप को, उन्हें समझाओ हम एक दूसरे के बगैर नहीं रह सकते। बहुत मुश्किल है अदनान। तुम्हारा यही प्रॉब्लम है, तुम हर काम बिगाड़ देती हो। पहले भी तुम्हारे पेरेंट्स की वजह से बिला वजह रुकावट आ गई, अब भी क्या, खुद तो तुम शादी कर बैठ गए और मुझसे चाहते हो कि मैं। अगर तुम्हारे पेरेंट्स मान गए तो मैं तुम्हें शादी करके साथ ले जाऊंगा ना। और तुम्हारी बीवी? वो यही रहेगी मेरे पेरेंट्स के पास जिन्होंने उसे पसंद किया। हरगिज भी नहीं, ये तुम्हारी गलत फहमी है। मैं तुम्हें हरगिज किसी के साथ शेयर नहीं करूंगी। पहले तुम उसे तलाक दोगे फिर हमारी शादी होगी, बस। बात करो अपने पेरेंट्स से, अगर मुझे ग्रीन सिग्नल मिल गया मैं उसी दिन फारिग कर दूंगा उसे। अब खुश बाबा, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ, तुम लोग कैसे? बाबा, हमने मामा से बात की थी, फहद ने भी। बाबा, आपसे एक बात पूछूं? बोलो। बाबा, ये शोर जो हुआ उससे आपका कोई ताल्लुक नहीं? ऐसा क्यों कह रही है? बाबा, मुझे मामा की बातों ने मजबूर कर दिया है। वो अभी भी अपने दिल में हमारे लिए उतना ही प्यार रखती है जितना पहले रखती थी, बट पता नहीं क्या है, मेरी वापसी की सीट कंफर्म होने वाली है। I'm coming back. बाबा, आप वापस आ रहे हैं? अगर आप वापस आ गए तो मामा को। बहुत मना लिया मैंने मामा को, अब बस हो गई मेरी। बाबा, नहीं आऊंगा। I've had enough. I'm coming back. Bye. मामा, मामा बाबा वापस आ रहे हैं और वो भी अकेले। जानती हूँ। मामा, you will be all alone. आपके साथ वहाँ पे कोई भी नहीं है। आप बिल्कुल अकेली रह जाएंगी। हमना, मैं सब जानती हूँ, बार बार क्यों मुझे फोन करके यही एक बात रिपीट करती रहती। फिर भी आप वापस आने का नहीं सोच रही? मामा, ये आपका आखिरी चांस है जो आप मिस कर रही है। वापस आ जाए बाबा के साथ, हमें बताए क्या शिकायत है, हम बात करेंगे ना बाबा से। फॉर अ मोमेंट मामा, अपने बारे में नहीं हमारे बारे में सोचे, बदल दे अपना फैसला। हमें बहुत देर हो चुकी है, इतने साल बहुत होते हैं। बींग सेल्फिश ना, सेल्फिश हो जाते हैं ना, इलावा किसी के बारे में नहीं सोचते, किसी की कोई बात नहीं समझते।
आपको हमना या फाहद ने कुछ कहा? आपने उनको समझाया? क्या समझाती? उसकी क्यों का जवाब नहीं है मेरे पास। पप्पो, ये तो मैं भी सोचती हूँ कि आखिर ऐसा हुआ क्या है, क्या वजह हो सकती है जो आप सच कहूँ फरिया, तो मैं भी हर दिन हर लम्हे यही सोचती हूँ। कितने दिन हो गए लेकिन मैं यहाँ हूँ, उनसे दूर, वो मुझसे दूर। पता, मैं हमेशा सोचती थी कि मैं इनसे दूर हो जाऊंगी ना तो मैं मर जाऊंगी, मेरी सांसें रुक जाएंगी। पर मैं यहाँ हूँ, अपने बच्चों से दूर, अपने घर से दूर, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। मेरी सांसें चल रही हैं, मैं जिंदा हूँ। मुझे कुछ नहीं हुआ, मैं जिंदा हूँ। मैं जिंदा हूँ ना फरियाल, मैं जिंदा हूँ, मुझे कुछ नहीं हुआ। मैं बिल्कुल जिंदा हूँ। जिंदा क्यों हो? फॉर अ मोमेंट मामा अपने बारे में नहीं, हमारे बारे में सोचे। अन्ना, बहुत देर हो चुकी है, इतने साल बहुत होते हैं। बीइंग सेल्फिश ना। नहीं कहना चाहिए था मुझे ऐसे। I'm sorry, mom. अजीज, किधर गायब हो तुम? यही हूँ मैं, मुझे कहाँ जाना है। अच्छा, ये बताओ कि तैयारियां कैसी चल रही है? तैयारियां मुकम्मल ही समझी। मरगिस, तुमसे एक बात पूछूं? क्या? तुम्हारी अदनान से मुलाकात हुई थी या वो मिलने आया था तुम्हारे पास जब तुम तुर्की में थी इस्लामाबाद आने से पहले? हाँ, आए तो थे वो, बहुत ही कोई अजीब बातें कर रहे थे। पूछ रहे थे कि कुकी कहाँ है, उसका पता बताओ। पता नहीं कहाँ गायब हो गई है वो। मुझे तो लगता है कि दोनों के बीच कोई झगड़ा हुआ है। हाँ, पर वो तो अब मिल गई है। लेकिन शर्मीन तो कभी झगड़ा करती नहीं थी। अरे दरवाजा तो खोलो। बड़ा अच्छा किया शर्मीन, तुम इसको देखो, मैं जरा आई। अल्लाह 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 अल्लाह, पूरे मोहल्ले में शोर था, मुझे पता था ये तुम्हारे ही कारनामे होंगे। होलिया देखो अपना। खैर, जो होलिया तुम्हारा है उससे ज्यादा बुरा होलिया तो उस बेचारे का होगा जिसके साथ झगड़ा करके आ रहे हो। मैं सगा लगता हूँ तुम्हारा? क्या वो? खैर, सगे तो तुम भी नहीं लगते। हाँ, बस तुम्हें तो मौका चाहिए होता है मुझसे झगड़ने का। अच्छा, वो जो तुम जिस बेचारे का सर फोड़ के आए हो वो झगड़ा नहीं है, जो मैं तुमसे करी हूँ वो झगड़ा है। ठीक है, नहीं, महल्ले की लड़की को छेड़ रहा था वो, हमने क्या हाथ पे चूड़ियां पहनी हैं, सुधार दिया उसको। नहीं, तुम तो जगत भाई हो ना, हर लड़की की हिफाजत करने वाले, हर लड़की के भाई। नहीं, सिवाय एक को छोड़। और वो एक कौन है? वक्त आने दो, बता दूंगा। सच्ची पता है, इस किस्म के रोमानवी किस्से ना मैंने सिर्फ नॉवलों में ही पढ़े थे। अब सबसे पहले तुम्हारी लव स्टोरी सुनूंगी, सुनाओगे ना? हाँ हाँ, थोड़ा हौसला रखो, सुन लोगी बहुत। सच में? कौन किसको क्या सुना रहा है? तुम्हारा भाई ना जगत भाई से बहुत जल्दी मजनू बनने वाला है, अपनी लैला के बारे में सबसे पहले मुझे बताएगा। अजीज, कहाँ खो गए हो? कहीं नहीं। अच्छा, मुझे ये बताओ कि वेन्यू बुकिंग करवा ली? नहीं, अभी तक नहीं हुई है, लेकिन कल तक करवा लूंगा। ये तो गुड हो गया। अच्छा सुनो, अपना बहुत ख्याल रखो। तुम भी। दाफिस। अब जो मिले हो यूं मुझसे मिलना, अब जो मिले हो यूं मुझसे मिलना, फिर ना जुदाई कहीं आए दरमियां, फिर ना जुदाई कहीं आए दरमियां, चलना यूं ही सन मेरे मेहरमान, तनहा सफर है
जाऊं अब कहां तेरे नैना तेरे नैना तेरे नैना तेरे नैना देखता रहूं आए चैना देखता रहूं आए चैना तेरे नैना सीरियस हो सकते हो मुझे नहीं लगता कि तुम कभी भी सुधर सकते हो कब बाज आओगे तुम शायद कभी नहीं कैसी बातें कर रही हो तुम वो जब तक मेरा लीडर मेरे साथ है और तुम्हारी जैसी दोस्त तो जिंदगी तो गुजर ही जाएगी तुम ना कभी किसी लड़की के हीरो नहीं हो सकते ऐसे क्या देख रही देख रही बहन से मिलके आए ना बड़े खिले खिले लग रहे हैं आप तो बहन है मेरी इकलौती बहुत जल्दी ख्याल आ गया क्या बुड़बुड़ा रही हो नहीं खैरियत से तो है ना सफीना हाँ ठीक थे वो सोच रही थी अपने दुकानों का किराया भी बढ़ गया होगा उसे बहुत दूर का सोचती है हमारी तरह बेवकूफ नहीं है जो आया खाया बल्कि दूसरों को भी खिला दिया ऊपर से जिम्मेदारियां भी पालनी हम उनको भी पूरा किया बेशक बुरी बनी लेकिन बुढ़ापा तो संभाल लिया ना उसने अपना उसे पता है क्या उसको चाहिए तो इतना बड़ा घर है कोई किराएदार ही रख लेती एक तो दूसरा हट भी हो जाएगी और आमदनी भी आने लग जाएगी वो किराएदार कब्जा कर ले तो मजाक है क्या आजकल कोई नहीं करता ऐसे वैसे कब्जे वब्जे अरे अकेली रहती है लावारिस समझते हैं लोग उसे कोई भी कुछ भी कर सकता है अल्लाह ना कर वो क्यों लावारिस होने लगी अरे आप जैसा भाई जो है वो जो अखबार वाली बात थी उसको आई गई करते ऐसे जज्बाती फैसले तो बहन भाइयों में होते रहते है ना इसीलिए सोच रहा हूँ कि मैं उसे यहाँ ले आऊँ यहाँ कहाँ इसी घर में अच्छा तो इस घर में कोई जगह है उसको रखने की कमरे नहीं है इस घर में इतने हम खुद बड़ा मुश्किल रह रहे हैं इस घर में कुकी भी तो रह रही है उसी के कमरे में सो जाया करेगी कम से कम मुझे ये खुदा ना खासा कल कलां को कुछ ये अचानक से क्या हो गया आपको कल आप बगैर बताए उससे मिलने के लिए चले गए और आज उसको लाने की जल्दी हो रही है आपको जल्दी तुम इसे जल्दी समझ रही हो और मैं समझता हूं कि सारी उम्र गुजार दी मैंने गफलत में जहां सारी उम्र गुजार दी वहां ही आप बच्चे कुछ दिन भी गुजार देते इन मसलों में मुझे तो समझ में नहीं आ रहा कि आपको आपकी बहन की याद क्यों सता रही सारी उम्र की कोताही सुधारने का एक मौका मिला है मुझे जाया नहीं कर सकता शायद अल्लाह इसी बहाने मेरे बाकी मसले संभाल ले नहीं समझेगी नहीं समझे पता नहीं किस मट्टी के बने हुए हैं बाप और बेटी पहले बेटी फिदा हुई और अब इन्हें दौरे पड़ने शुरू हो गए
धनी किस बात की याद सता रही अपनी बहन की? दोनों दीवाने हो, अब समझ आई मुझे। हो ना हो सफीना, ये तुम्हारा किया धरा है। लोगों ने तुम्हें उसके साथ एयरपोर्ट पर बात करते हुए देखा, अब झूठ मत बोलो और सच सच बताओ कुकी का। कौन सी पट्टी पढ़ाई है तुमने मेरी बीवी को? मैं जानता हूं कि वो तुम्हारी शह पे मुझसे तलाक मांग रही है। मैं ऐसा क्यों चाहूं? उससे अपनी झूठी लातालुकी दिखाकर मुझे बेवकूफ बनाने की कोशिश मत करो। अहमक नहीं हूं मैं। कौन? शर्मीन, मैं हूं अजीज। हाँ बोलो। बात यह है कि मैं तुम्हें अपनी मंगेतर से मिलवाना चाहता हूं। मैं मिलकर क्या करूंगी? मैं चाहता हूं कि तुम एक बार मिल लो उससे। अजीज, ठीक है, मैं आती हूँ। ओके, थैंक्स। नाफ़स। औरतें कितनी ड्रामा होती है, देखें जरा इसे। जो मुझे 8 दिन हुए नहीं शादी को, ऐसे रो रही जैसे बचपन से मेरे इश्क में मुब्तला। और तुम मर्द क्या हो? पत्थर दिल, बेहिस। वो बेचारी रो रही है और तुम्हें मजाक सूझा हुआ? आप मुझे रोज फोन करेंगे ना? मैं जरा अम्मी को देख के आती। मैंने बताया नहीं, आप रोजाना फोन करेंगे ना? नहीं कर सकता रोज मैं तुम्हें फोन, मसरूफ होता हूँ। जब मौका मिलेगा तो देख लूँ। अगर मैं तो आपको रोज खत लिखा करूंगी। कोई जरूरत नहीं खत लिखने, मेरी याद आए तो डाइजेस्ट पढ़ लेंगे। डाइजेस्ट आपकी कमी तो पूरी नहीं कर सकते ना। हाँ लेकिन कुछ तो। कुछ तो क्या? सुनो, तुम्हें ज्यादा जज्बाती होने की जरूरत नहीं है, ठीक है? मगर आप जब तक नहीं आएंगे, हो सकता है मैं वापस ही ना आऊं कभी। अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे ऐसा। अल्लाह ताला आपको जिंदगी दे, हमेशा सलामत रखे। क्या मसला है तुम्हें? क्या बंदा मर कर ही जिंदगी से निकल सकता है? जी हाँ, तो फिर मैं वहां आ जाऊंगी आपके पास। कोई जरूरत नहीं आने की मेरे पास, मैं वहां बहुत बिजी होता हूँ। क्या करोगी तुम? मैं आपका ख्याल रखूंगी। मुझे अपना ख्याल खुद रखने की आदत है। मगर मैं तो, मेरी बात सुनो कुकी, जिंदगी में बहुत कुछ हो जाता है, कभी किसी पे इतना डिपेंड ना करना कि अगर रिश्ते खत्म हो जाए तो जिंदगी खत्म हो जाए तुम्हारी। मगर हमारा रिश्ता क्यों खत्म होगा? हम तो बहुत खुश हैं। आप जैसा कहते हैं मैं वैसा करती हूँ, आपकी हर बात मानती हूँ। आप मेरे साथ खुश हैं ना? कभी कभी तो तुम्हारे डाइजेस्ट के हीरो भी साथ छोड़ देते हैं जीते जी।
हाँ, लेकिन वो तो तब होता है ना कि जब शादी हीरोइन से ना हुई हो, बल्कि किसी और लड़की से जबरदस्ती की गई हो और जिंदगी के अंदर कोई और लड़की हो। आपकी जिंदगी में तो मेरे अलावा कोई नहीं, नहीं है ना? कुछ और तो नहीं रखना? कुछ नहीं, बस इन्हीं चार कपड़ों में आया था। तुम फिक्र नहीं करना, मैं बात करूंगी कुकी से। कई दफा इंसान को खुद भी अकल आ जाती है। कोई जरूरत नहीं उसके पीछे इतना भागने की। करने दे उसे अपनी मर्जी, मैं भी देखता हूं कितना दूर तक चलेगी। चले मामू, देर हो रही है। हाँ, तुम बैग लेके जाओ, मैं आ रहा हूं। मामा को ढूंढ के लेकर आएंगे? Yes. पापा, अगर मामा के साथ नहीं आई तो? इंशाल्लाह आएंगे। और अगर नहीं आई तो? ऐसा नहीं होगा। ओके? उमर, गाड़ी मोड़। मगर क्यों? कुकी के घर चल। मामी के घर? अम्मा, अरे वाह, आज तो मेरी बेटी बिल्कुल पुराने जैसी लग रही है। बड़ी तैयारी कर रखी है आज। किसी वलीमे में जा रही हो क्या? नहीं, ना मैं पहली सी लग रही हूँ और ना ही किसी वलीमे में जा रही हूँ। काम है, कुछ घंटों में आ जाऊंगी। हाँ, तो हैदर से कह देती, कोई भी काम होता। भाभी, मैं कोई बच्ची नहीं हूँ कि अपने काम औरों को कहती फिरूं। अम्मा, आखिर आप ही पूछ लें इससे कि ये इतना तैयार होके कहाँ जा रही है। हाँ बेटा, बताओ, इतना तैयार होके कहाँ जा रही हो? सफीना के घर जा रही हो जो मुझे नहीं बता रही? अम्मा, वो मेरी फूफो का घर है। अगर मैं जा रही हूँ तो किसी से छुपाऊंगी क्यों? मतलब कहीं जा भी रही हो और छुपा भी रही हो? हाँ हाँ भाई, पता है क्या, मैं आपको जवाब दे नहीं हूँ। तुम हो, तुम जवाब दे हो, क्योंकि तुम इसी घर में रहती हो और जो जहां रहता है उसी जगह के कायदे कानून के हिसाब से चलता है। ठीक है, तो फिर आप क्या चाह रही हैं? मैं चली जाऊं, वापस नहीं आऊं? ठीक है, नहीं आऊंगी, आप फिक्र मत करें, ठीक है? अरे वाह, मतलब जट भी मेरा और पट भी मेरी। हाँ, तुम खुद अगर इस घर में वापस नहीं आना चाहती तो इल्जाम मुझ गरीब के सर क्यों लगा रही हो? हाँ, मैंने तो तुम्हें नहीं कहा कि तुम इस घर में नहीं आ सकती। मैंने तो नहीं कहा। अच्छा ना फरियाब, ठीक है, इसको करने दो अपनी मनमानी। सुनती है या कभी भी किसी का? जाओ जाओ बेटा, जाओ। कि किसकी गाड़ी में बैठती जा रही? फॉलो दैट कार। मगर मामू, हमने तो एयरपोर्ट जाना था। हमारे पास टाइम है विंग के। मगर ट्रैफिक भी तो है। जस्ट डू एज यू आर टोल्ड, फॉलो दैट कार। श्योर। sure.
तुमने मुझे यहाँ क्यों बुलाया है अजीज? मुझे तुमसे बात करनी थी। उस दिन जो भी बातें की थी तुमने एयरपोर्ट पे वो काफी थी, उसके बाद कोई गुंजाइश बचती है? बिल्कुल है। उस रोज तुमने मुझे ये नहीं बताया था कि तुम अपनी शादी से खुश नहीं। तुम्हें किसने कहा मैं खुश नहीं हूँ? मैं तो बहुत खुश हूँ। मैं तो ठीक से झूठ बोलना भी नहीं आता। अदनान से मैं दो दफा मिल चुका हूँ। ओह, तो वो तुमसे मिले हैं। ये अच्छा है तुम मर्दों का, हमेशा कसूरवार औरत को ही ठहराना। कभी ये सोचने की कोशिश मत करना कि शायद गलती या कसूर अपना ही है। एक माह पहले जब मैं और नरगिस तुमसे मिले थे रुकी में, तुम खुश थी, बहुत खुश थी। तो अचानक सब कुछ कैसे बदल गया? बदला कुछ भी नहीं, बस मैं बदल गई थी। वक्त के साथ साथ, लेकिन अब मुझे एहसास हो गया है और मैं खुद को हासिल करने की दोबारा से कोशिश कर रही हूं, अपनी पहचान के लिए, अपने लिए। एक माह पहले अगर मैं तुमसे ना मिला होता तुर्की में, वो कभी अपनी शादी के लिए तैयार ना होता। दूध का दूध और पानी का पानी। ये आप क्या बात कर रहे हैं? तुम खामोश रहो, तुम्हारी सच्चाई मैं सुन चुकी। अफसोस तो मुझे इस बात का है कि पूरा घर कुकी को शह दे रहा है, तभी ये यहां पर है। आप जो समझ रहे हैं वैसा कुछ नहीं। तो फिर ये यहां क्या कर रही है? मैंने इसे समझाने के लिए बुलाया था, सीख देने के लिए बुलाया था कि ये अपनी घर गृहस्थी खराब ना करे। अजीज बस करो। कौन सी घर गृहस्थी? इनको मेरे लिए सफाइयां देने की कोई जरूरत नहीं है। और अदनान, आप जो भी समझ रहे हैं ना, उसे सच मान लें और खुदा के लिए मेरा पीछा छोड़ दें। तुम बिना वजह बात क्यों बिगाड़ रही हो? अजीज प्लीज, यू स्टे आउट ऑफ इट। ये मेरा पर्सनल मैटर है। देख लूंगा तुम्हें मैं। देखना है तो खुद को देखो और समझो कि शर्मीन इस मुकाम तक कैसे आई। किस किस्म के भाई हैं आप? कुछ पता है आपको आपकी बहन किससे मिलने गई थी और क्यों मिलने गई थी? क्यों आई है वो यहाँ? क्यों कर रही है ये सब? कभी अपने गिरेबान में झांक के देखा है? कभी यही सवाल खुद से पूछ के देखा है कि वो क्यों आई है और क्या कर रही है? अगर बहन मेरी है तो इज्जत हो आपकी भी। चुप कर जाओ।
बहुत हो गया हैदर। ठीक है तो फिर पूछ लीजिएगा उससे कि वो अजीज से मिलने क्यों गई थी, और जब जवाब मिल जाए तो मुझे बता दीजिएगा। रुक जाए दान, जा रहे हैं तो जाने से पहले तलाक देकर जाए। मैं तुमसे कह चुका हूं मैं तुम्हें तलाक नहीं दूंगा और ना ही तुम्हें तुम्हारे बच्चों से मिलने, सारी उम्र तरसोगी। ठीक है अगर आप तलाक नहीं देंगे तो मैं कोर्ट में खुला की अपील करूंगी। बच्चे आपके हैं आप रखें, मगर जाने से पहले मुझे तलाक देते हुए जाएं। कुकी, तलाक मांग? कुकी नहीं हूं मैं, नहीं हूं कुकी। खुदा के वास्ते मुझसे जीते जी मेरे पहचान मत छीनिए, मुझसे जीने का हक मत छीने। पहले ये शख्स मुझसे बहुत कुछ छीन चुका है, जीत बर्दाश्त नहीं होता मुझसे। आ, मैं आपसे कह चुकी हूं, बार बार कह रही हूं और ये आखिरी बार है, मुझे आपके साथ नहीं रहना।